एवियन पोस्ट हिंदी न्यूज वेब पोर्टल देश दुनिया के ताजा खबरों के साथ मैं हूं संदीप पाठक, लेकर हाजिर हूं फटाफट पांच। आइए नजर डालते हैं आज के पांच हेडलाइंस पर। बस और ट्रक की टक्कर में 20 की मौत, कई घायल। कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 के सेट पर हादसा, असिस्टेंट डायरेक्टर सहित 3 की मौत। शर्तों के साथ झारखंड सरकार ने खोला खजाने पर लगा ताला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया राज्य के इटखोरी महोत्सव का शुभारंभ। पंसूल उतारा गया, अब बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का गठबंधन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। अविनाशी शहर के पास केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस और कंटेनर ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। बस कर्नाटक के बेंगलुरु से केरल के एर्नाकुलम जा रही थी। कई लोग घायल हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दक्षिण के सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 के सेट पर बड़ा हादसा हो गया। ईवीपी स्टूडियो के सेट पर मौजूद क्रेन में क्रैश हो गया, जिसकी चपेट में आने से फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हेमंत सरकार ने शर्तों के साथ खजाना पर लगाया ताला खोल दिया है। योजना सह वित्त विभाग ने कोषागार से भुगतान पर लगी रोक हटा ली है। हालांकि मोबिलाइजेशन एडवांस के भुगतान पर अब भी रोक है। इस संबंध में विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार सिंह ने 19 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है। झारखंड का बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। झारखंड की धरा में सिर्फ खनिज ही नहीं, बल्कि यह धर्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के धार्मिक स्थलों में इतिहास की कई कहानियाँ छिपी हैं। झारखंड की परंपरागत व्यवस्था संस्कृति विरासत की अलग पहचान है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 फरवरी को कही। वे चतरा के इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली मंदिर में आयोजित राजकीय इटखोरी महोत्सव के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर परंपरा के मुताबिक बाबा मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र पंसूल को 19 फरवरी को उतार लिया गया है। उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह, बाबा मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर की निगरानी में इसे उतारा गया। इस दौरान पंसूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। विदित हो कि पंसूलों को एक बार फिर से पूजा पाठ पर गुंबद पर लगाया जाएगा, तब जाकर गठबंधन का रिवाज शुरू हो सकेगा।